और देखिए यूसीसी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्योंकि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले हमने इसको लागू किया है। जरा सुनिए एक बार बातचीत को। भराड़ी सैंड के विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। सर आज दूसरा दिन है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? देखिए, चूंकि राज्य का विकास ही मुख्य एजेंडा है और उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर आए, पक्ष विपक्ष सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अनुपूरक बजट भी आना है। ये बजट हमारा जो आम बजट है उसकी पूर्ति करने के लिए बजट है, उसको धरातल पर उतारने के लिए बजट है और व्यवहारिक रूप से विकास के काम, अन्य काम, शिक्षा के काम, चिकित्सा के काम, हमारे नौजवानों के स्किल के काम, गरीबों के कल्याण के काम ठीक प्रकार से संचालित हों और उसी पर आज जो है बजट आएगा और अन्य चर्चाएं भी होंगी। जो यूसीसी विधेयक है उस पर भी चर्चा होगी? यूसीसी विधेयक तो ऑलरेडी पारित हो चुका है, अब केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और हमारा पूरा फोकस है कि 9 नवंबर से पहले जो है वो राज्य के अंदर लागू हो जाए। सर, यूसीसी एक बड़ा सब्जेक्ट है और आपने पहला राज्य है उत्तराखंड का जिन्होंने यूसी लागू करने में पहला राज्य बन गया। सर, आप गौरव महसूस करते हैं या जिम्मेदारी? निश्चित रूप से हर एक उत्तराखंड वासी को गौरव प्राप्त हो चुका है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसको गौरव प्राप्त हो रहा है। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24, भराड़ी से।